आज मैं बना रही हूँ डे इन माय लाइफ व्लॉग। तो मैं हर दिन सो उठने के साथ मैं बनाती हूँ चाय। तो ये रहे मेरे चाय, वो अब मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक। और ये अदरक डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी चाय पत्ती, क्योंकि मैं अपने हिसाब का चाय बना लूँ। मैं तो मैं लीकर ज़्यादा पीती हूँ, इसलिए मैंने 3 चम्मच 2 कप में डाले हैं और 2 चम्मच चीनी है हमारे। और ये मेरा चाय बन रहा है, और मैं अदरक वाली ही चाय पीती हूँ, तो इसलिए मैंने दूध अदरक ऐसे डाल के बनाया है चाय। उसके बाद हमें ये चाय जब बन जाएगी तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक साथ चाय पीते हैं। ये मेरा बरसों का नियम चलता आ रहा है कि सुबह की चाय हम साथ पीते हैं। अब हमारे चाय भी बन गए हैं। के बाद आती है घर में मेड, जो लगा रही है झाड़ू। बबली है, हमेशा हंसते बोलते रहती झाड़ू लगाने के बाद। उसने बर्तन साफ किए। फिर हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि मेरे घर में दो एसी है, दोनों एसी में कूलिंग कम हो रहा था। तो ये रहा मेरा बच्चों का रूम, इसका एसी में भी कूलिंग नहीं था। तो ये भैया आके इसको ठीक किए। ये अलग कंपनी की थी, मेरे रूम वाली एसी अलग कंपनी की है, तो दोनों अलग अलग टाइम पर आ रहा है। इधर कर रही है बबली क्लीनिंग का काम। उसके बाद मैं जाती हूँ मंदिर, सब काम जब मेरा निपट जाता है मैं जाती हूँ मंदिर। वहाँ मैं भोले बाबा का पूजा करती हूँ, और पूजा करने के बाद अभी मैंने हम आप सबके लिए और अपने लिए भगवान से दुआएं मांगते हैं। फिर मेरा सुबह का सारा काम निपट जाता है। मुझे लगता है कि मुझे आज तो अपने मलाई से घी बनाने वाला काम करना चाहिए। तो ये बना रही हूँ मैं मलाई से घी। ये देखो बड़ा आसान है बनाना, फटाफट बन जाता है। आप 5 मिनट के अंदर इसको बना सकते हो। ये देखना, मैं बात करते करते मेरा मलाई बन जाएगा, और मैं वो आपको पूरा का पूरा दिखा रही हूँ। देखो ये कैसे जो मक्खन है वो तैयार होने लगा है। तो ये जो, और ये मैंने एक बार और भी ट्राई किया था मलाई से मक्खन बनाने वाला। अब ये देखो कि इसमें ये बनाते बनाते कैसे फेटते फेटते 5 मिनट भी पूरा नहीं हुआ होगा, ये मेरा मक्खन निकलने लगा। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये इसमें इतने अच्छे हार्ड बने हैं। अगर आपको अमूल बटर या कोई भी बटर खाते हो तो उसके तरह का टेस्ट चाहिए, तो इसमें 3-4 आइस क्यूब डालो, थोड़ा सा नमक, और अच्छे से फेटो। ये और भी हार्ड हो जाएगा। और बटर पेपर में रख के या फ्रिज में रख दो, आप महीनों तक उसको यूज कर सकते हो। बाकी बचे का आप बना लो घी। तो ये मैंने ऐसे ही किया है, आप देख सकते हो कि मेरा ये बन गया। और इसका जो मिल्क बचा है उससे मैं पनीर बनाना आप सबको बता रही हूँ। तो ये मैं रख दी हूँ इसको गैस ऑन करके। ये मेरा बटर है जो बन गया है। अब मैं इसका घी कल बनाऊंगी, क्योंकि मिथ है कि आप सेम डे बनाते हो तो घी ज़्यादा नहीं निकलता, कल होके बनाते हो तो ज़्यादा घी बनता। तो ये मेरा दूध हल्का सा गर्म हो गया, इसमें डाल दूँगी मैं विनेगर, और उसके साथ ही इसमें आ जाएगा पनीर बनना प्रोसेस हो जाएगा। ये देखो मैं डाल रही हूँ विनेगर, और 1 से 1.5 चम्मच लगता है, चूंकि ज़्यादा मिल्क है तो विनेगर डालते ही ये बहुत जल्दी बन जाता है पनीर। ये देखो बहुत आसान है, और आपका कोई चीज़ वेस्ट भी नहीं हुआ किचन में। आप जितना कम वेस्ट करो अच्छा है, क्योंकि वैसे तो किचन से कुछ ना कुछ वेस्ट तो हो जाता है, पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा वेस्टेज ना निकले किचन से। तो ये मैंने अपना उसी को यूज करते हुए मैंने उस बटर मिल्क से बना लिया है पनीर, और ये पनीर बहुत ही स्वादिष्ट और फ्लफी भी होता है। तो अब ये 2 मिनट में बन के तैयार हो गए हमारे। फिर मैं इसको एक छन्नी में रख के छान लेती हूँ, और आप अपने हिसाब से जैसा आपका यूज हो उस तरह से आप इसको रख सकते हो। जैसे कि आप इसको 2-3 पानी से धो के फिर एक कपड़े में रख के, और कोई भी भारी चीज़ से दबा दोगे तो आपका वो पीस एकदम पनीर का जो मार्केट का होता है वैसा बन जाएगा। मुझे बनाना था पराठा, तो मैंने बस थोड़ा सा इसका पानी निकाला और एक लकड़ी के इससे मैं दबा के, और ये बन के तैयार हो गया। इसको मैं फ्रीज में रख दूंगी तो ये भी पीस पीस में कट जाएगा। तो अब मैं इसको कर दूंगी। आज कल दिल्ली NCR में इतनी बारिश हो रही है,
तो मुझे बारिश बहुत पसंद है। मैं बारिश को देखते हुए मेरे मन में आया क्यों ना पकौड़े खाया जाए, क्योंकि बारिश में पकौड़े का मज़ा ही अलग होता है। तो मैंने दाल के पकौड़े बनाने का सोचा, तो अब मैं उसका तैयारी कर रही हूँ। मैं दाल पकौड़े का रेसिपी आप लोग चाहो तो मैं आपको बाद में दे सकती हूँ, पर अभी मैं बनाई हूँ दाल पकौड़े, वो मैं करूँगी मिक्सी में दाल को मिक्स। ये मैंने जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये है मेरे कुछ मसाले जो मैंने दाल पकौड़े में यूज किए हैं, और दाल के साथ मैं पीस के इसको तैयार कर लेती हूँ और बनाऊंगी गर्मा गर्म दाल पकौड़े और चाय के साथ, बड़ा मज़ा आने वाला है। और इतना सा धनिया, साबुत धनिया। मिक्सी में मैंने इसे पीसा है, थोड़ा मोटा मोटा ही दाल पकौड़े का दाल पीसता है, तो उस हिसाब से मैंने अपने तैयारी करी हुई है। थोड़ा सा और पीसेगा, मैं थोड़ा और पीस देती हूँ, और सबको मैं पीस के एक बर्तन में रख के सबको एक साथ मिक्स करूँगी। सारे दाल मैंने पीस लिए मिक्सी में रख के और अच्छे से कर रही हूँ मैं इसको अब मिक्स। ये हो गया तैयार मेरा। इधर फिर से दूसरे रूम के एसी बनाने वाले आ गए भैया, तो वो एसी में गैस डाल रहे हैं। ये मेरा कमरा है, और इधर बच्चों के कमरे में बबली आके कपड़े को तह लगा रही है। फिर मैं बोर हो रही थी तो मैं सोची कुछ क्रिएटिव काम किया जाए, तो मैंने अपने हाथ में मेहंदी लगा लिया, जो किसी पूजा के में चढ़ा हुआ मेहंदी मुझे मिला था। फिर मेरी आई डॉटर और हस्बैंड, उन्होंने मेरे लिए डोनट लेके आए थे, और मैं ये खा के बहुत सा एनर्जी ली, और फिर रात को मैं